ये देखें, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। ये हॉल है, कच्चा मिट्टी का घर है। इधर सास काम कर रही है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का 7 बजा है। और चले बाहर चलते हैं, बाहर बाजी लोग का रिएक्शन देखते हैं, ननद लोग का। ये कल का खाना है, उसको मैं भून रही हूँ। तो चले चलते हैं बाहर। और ये मेरी नानी सास है। बाजी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ बनाती होगी, बनाते रहती है ना भाभी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ये देखिए, मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ। किस कारण से आई हूँ वो बताऊंगी। तो ये मेरी बड़ी ननद है, ये छोटी है, और ये निका बहन का बेबी है। ओके, बहन का बेबी है, निका बेबी है, वही है। ये मेरी देवरानी है, इसका नाम तमन्ना है। तो इसे भी वीडियो में आना बहुत अच्छा लग रहा है। बोल रहे हैं भाभी लीजिए मुझे वीडियो में, तो ले रहे हैं। और देखें मेरा गांव का हरियाली, हरियाली देखें अगल बगल आसपास, कितना अच्छा हरियाली है। एक बार बनाए थे, वो डिलीट हो गया था वीडियो। तो मेरी नानी सास है। यहाँ देखे पूरी बन रहा है, मेरी देवरानी और उसकी बहन बना रही है। पर लाइट नहीं है तो अंधेरा आ रहा है। देना थोड़ा सा बुर पलस्तर पास है, मुंह फाड़ के तो बच्चा पूरी हाँ तो दिन 10-5 रुपए दे। हमारा गांव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पूरा हरियाली भरा हुआ है, नदी पहाड़ सब चीज़ है। तो अगर ऐसा मौका आएगा कि कभी जाएं तो अच्छा से घूमेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। हरियाली पूरा नेचुरल चीज़। और ये देखिए देवरानी बैठी हुई है अपने बच्चे के साथ। और ये देखिए सारे परिवार बैठे हुए हैं। इधर बच्चे लोग खेल रहे हैं। आयत आयत इधर आइए, इधर आयत खेल रही है। देखिए अब क्या खेल रहे बेटा? मेकअप 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 खेल रही है। पूरी मस्ती में है, पूरा सारे बच्चे मिल गए हैं तो खेलने में इनको मज़ा आ रहा है। उधर भाभी नानी देवर हस्बैंड और ननंद के हस्बैंड सब बैठे हुए हैं। और ये जो बैठी हुई है मेरी देवरानी है, इनका नाम तमन्ना है। और है नानी सास, हाँ। और ये मेरे नंदोसी है, नाश्ता कर रहे हैं। तैयब भैया नाम है। और ये ना तो हम तो ये बड़ी भाभी है, मेरी जेठानी, चचेरी जेठानी है। इधर माही, मैं जब से ससुराल गई थी तब से मैं वीडियो बना रही हूँ पर डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए। और यहाँ पे देखे मेरी एक देवरानी की बेटी है और उनकी छोटी बहन की बेटी है, दोनों देखे। तो तेल मालिश हो रही थी तो बोल रही है तमन्ना कि भाभी इन लोग दोनों का वीडियो बना दे, तो ठीक है। और क्यों मैं हरमू आ चुकी हूँ, 1 सप्ताह हो गया है। 1 सप्ताह के बाद मतलब संडे को मैं आई थी, मतलब 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है उसके बाद मैं ब्लॉग डाले, उसके लिए सॉरी। और क्यों नहीं डाल रही थी, मेरा चार्जर ससुराल में छूट गया था इसलिए। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, चार्जर छूट गया था
इसलिए मेरा ब्लॉग आने में बहुत लेट हो गया। और यहाँ देखिए कितना प्यारा प्यारा बच्चा लोग है, और बहुत सारे बच्चे हैं। मेरी चार ननंद है, सब बड़ी है, माई के पापा छोटे हैं, उससे माई के पापा से तीन देवर छोटे हैं। तो जितनी है सबके तीन तीन दो दो बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे सारे मिलके इतने एंजॉय करते हैं कि बहुत मज़ा आता है, और घर भरा भरा भी लगता है। और गांव का मिट्टी है, गांव में बच्चे ज़्यादा ही दिखते हैं। और सब जॉइंट फैमिली है, सब एक ही जगह रहते हैं, बस मैं ही अलग रहती हूँ, क्योंकि हमारा काम यहाँ है। हमारे हस्बैंड यहाँ रांची में काम करते, इसलिए आने जाने में दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए दोनों बहन के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रहा है कि दोनों जुड़वा है। तो इन लोग एक महीना का छोटा बड़ा है। देखिए पेटाहा देवर, 10 बार खाते इसको पेट नहीं भरता। देखिए 10 ठो पूड़ी खाया है तो भी पेट नहीं भर। क्या चाहिए, माई लोग माई को कैसे खिला रही है बच्चा। गैस गाला नहीं है, मगर सीरा उरा हो जाएगा। इधर देखिए घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, पूरा साफ सुथरा, ओनली बर्तन धोना है। इधर सब्जी चढ़ा हुआ है, इधर दाल चढ़ा हुआ है, इधर नाश्ता के लिए बना हुआ था आलू का सब्जी, आधा जन के लिए रोटी, आधा जन के लिए पूड़ी, और ये चाय। रात का बचा हुआ खाना तो मैं भून दी थी, तो देखिए खत्म हो चुका है। तो दिख रहे हैं अच्छा दिखता है मोबाइल में, ये देखो। और ये देवर के लिए निकाल रही है तमन्ना, देवर के लिए तमन्ना निकाल रही है नाश्ता, रियाज नाम है उनका। और ये देखिए पूड़ी, ये भी फिनिश हो चुका है। जो पूड़ी बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है, तो ये बड़े नंदोसी के लिए बन रहा है। सुबह 6 बजे उठे हैं, और जो मतलब शुरू वाला जो क्लिप दिख रहा था वो 7 बजे का था, और अभी 11 बज चुका है। इधर ये देखिए आटा गूंदा हुआ है, इधर बेल के रखे हैं। इधर देखिए आयत मोबाइल मांग रही है कार्टून देखने के लिए। पूड़ी अच्छा लगता है पूड़ी। और मैं ससुराल क्यों आई हूँ फ्रेंड, वो मैं बताऊंगी फुर्सत से। आज बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए पूरा जब काम ख़त्म कर लूँगी उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा परिवार है तो काम भी है, तो काम हो जाएगा उसके बाद मैं उसके बाद आपसे मैं बात करूँगी। फूला हुआ पूरी इतना अच्छा फूल रहा है, सब काम हो चुका है, बस चावल बनाना है, दाल भी रेडी हो चुका है। ये मटन बन रहा है फ्रेंड, मैं नाश्ता बना के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बन रहा है सब, फूला फूला बन रहा है। पीछे ननंद खड़ी है तो वह बोल रहे क्या बोल रही है, तो यहाँ से रहे। ये देखिए सारा पूरी मेरा फूल रहा है। हाँ इधर बेल के रखे हैं, और वहाँ पे रख रहे हैं पूरा तल के, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फूला फूला। आज 1 जनवरी है फ्रेंड, आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ कहाँ घूमने गए आप कमेंट में बताइएगा, मैं तो अपने ससुराल आई हूँ घूमने के लिए, पर कुछ रीज़न से आई थी, बहुत गमी रीज़न है, खुशी से नहीं आई हूँ बना के।
फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक ब्लॉग में बने रहें। हाँ भाप उड़ रहा है, ये देखिए हमारा मटन भी बन कर तैयार हो चुका है, कितना यम्मी कितना टेस्टी बन कर तैयार हुआ है। यहाँ पे बैठ जाते हैं, मैं बात करते हैं आपसे, क्योंकि आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, क्योंकि मैं क्यों आई ससुराल, किस रीज़न से आई वो बताने के लिए। तो आज है सैटरडे और थर्सडे, मतलब जुमेरात को मेरी बड़ी जेठानी है, उनकी छोटी बहन बहुत बीमार थी, तो हम लोग गए थे रिम से, देख के आए, 2 बजे गए, 5 बजे आए, फिर से 7 बजे वो इंतकाल कर गई। तो कल मिट्टी था उनका, तो मिट्टी हो गया है, कल जुमा का नमाज के बाद मिट्टी हो गया है, और 4 रम तक मुझे रहना है यहाँ, तो संडे को 4 रम बन रहा है, कल कुरान खानी है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं आई, बहुत दुआ भेजे, क्योंकि अभी उनको तो सिर्फ दुआ ही का ज़रूरत है। अल्लाह उसको कब्र के अजाब से बचाए, हर गुनाहों से पनाह दे अल्लाह उनको, और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए सब काम हो चुका है, बस चावल चढ़ाना है, तो चाय बर्तन धो रही है बाहर छोटी ननंद, मतलब 4 बहन हैं माही के पापा के, तो सब बड़ी हैं, तो बहन में छोटी है वो सोनी, तो सोनी बाजी बोलते हैं उनको, तो बाजी और देवरानी दोनों मिलके बर्तन धो रहे हैं, इसलिए जब धुल जाएगा बर्तन तो डेक्ची में फिर चावल चढ़ेगा, बाकी बस सारा टोटल काम हो चुका है। और अम्मी गई है सारा कपड़ा लेके, तो ब्लॉग में बने रहें, यही बताना था आपको और कुछ बात नहीं। सोचते थे कि आज 1 जनवरी है कि कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह को कुछ ही मंजूर था, अल्लाह का सिवा किसी का चलता है क्या, तो बस अल्लाह जिसको जिसका अमानत था, देखिए अमानत था ले गए, बस उसको दुआ भेजे और कुछ नहीं, इसलिए मैं अपने ससुराल आई। तो धीरे धीरे जो कैमरा फेस करेंगे उसको लाने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह।